नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच आईपीएल सीजन 12 का 46वां मुकाबला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला जा रहा था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए थे और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को जीत के लिए 188 रनों का टारगेट दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कप्तान श्रेयस अय्यर और शिखर धवन के अर्धशतकों की मदद से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ 5 विकेट पर 187 रन का खड़ा किया। अय्यर ने 37 गेंद का सामना करते हुए 52 रन की अपनी पारी के दौरान 3 छक्के और 2 चौके लगाए, जबकि धवन ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए इस सत्र में 5वां और लगातार 3रा अर्धशतक जड़ा। दिल्ली ने 20वें ओवर में 20 रन जबकि आखिरी 3 ओवर में 46 रन जोड़े, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। शेफरन रदरफोर्ड ने 13 गेंद में 1 चौके और 3 छक्के से नाबाद 28 और अक्षर पटेल ने 9 गेंद में 3 चौके से नाबाद 16 रन बनाए। बेंगलुरु की गेंदबाजी की बात करें तो बेंगलुरु के लिए चहल ने 2 विकेट लिए, वाशिंगटन सुंदर, उमेश यादव, नवदीप सैनी ने 1-1 विकेट लिया। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। वहीं इसके जवाब में बैंगलोर का कोई भी बल्लेबाज कामयाब नहीं रहा। बैंगलोर की तरफ से कोई भी बड़े साझेदारी नहीं थी, जिसकी वजह से वो यह मुकाबला 16 रनों से हार गए। बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर की तरफ से पार्थिव पटेल ने 39 और विराट कोहली ने 23 रन बनाए। वहीं एबी डिविलियर्स ने 17 रन बनाए और शिवम दुबे ने 24 रन बनाए। फिर एक के बाद एक विकेट गिरता रहा और वह इस पारी को संभाल नहीं सके। मार्कस स्टॉइनिस नाबाद जरूर रहे, लेकिन अकेले मैच को जीतने में नाकामयाब रहे। इसी तरह की क्रिकेट अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।